हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। दिस इज पार्ट 11 वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन। मतलब आपको दो एडजेसेंट साइड्स देकर रहेंगी एंड थ्री एंगल्स देकर रहेंगे, ओके। तब जाके आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। सी द एग्जाम्पल नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MIST। आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है? MIST, ओके। यहाँ पर वैल्यूज दे करें, MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, IS इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल X इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। मीन सबसे पहले इसकी रफ डायग्राम यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी, ओके। तो चलो हम यहाँ पर एक रफ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कौन सा? MIST का। तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल एक ड्रा कर लेते हैं, ओके। सो क्या होगा, ये इस तरह से मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये एक मैंने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया है जिसका नाम क्या है, MIST। सबसे पहले आपको रफ कंस्ट्रक्शन करना होगा, तब जाके आपका रियल वाला कंस्ट्रक्शन अच्छे से आएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो आपको MI कितना दे करे, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका MI है, तो ये कितना रहेगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन क्या दे करे यहाँ पर, IS कितना है यहाँ पर, 6.5 सेंटीमीटर। ये 6.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर IS 6.5 सेंटीमीटर निकालते हैं। नाउ यहाँ पर देखो एंगल M, ये एंगल M यहाँ पर कितना है, 75 डिग्री है। ये यहाँ पर एंगल M 75 डिग्री। देन एंगल I 105 डिग्री, ये आपका एंगल I 105 डिग्री है। देन यहाँ पर एंगल S, ये वाला एंगल S है, ये है आपका 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ओके। तो इस तरह से ये हुआ आपका रफ कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन करके बताना है बाय यूजिंग द कंपास एंड स्केल, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बेस मिला है, यहाँ पर IS, यहाँ पर दो एंगल से हमारे, ओके। तो ये बेस लेते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर भी दो एंगल से, यहाँ पर भी, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं IS, IS कितना है यहाँ पर आपका 6.5 सेंटीमीटर। सो टेक अ स्केल, स्केल लेना है आपको, ओके। देन स्केल लेकर आपको यहाँ पर 6.5, ये जीरो से आपका 6.5 यहाँ तक से लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, ओके। ये हुआ आपका IS, ये क्या है आपका I है और ये आपका S है जिसका मेजरमेंट कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल I और एंगल S कितना है, ये S 120 डिग्री है और I कितना है 105 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल से यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, ओके। तो चलो अब बाय यूजिंग द कंपास हम कंपास लेते हैं यहाँ पर। देन क्या करना है, एंगल S, ओके। एंगल S कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल S कितना है, 120 डिग्री। तो कंपास से क्या करना है, यहाँ पर सफिशियंट मेजरमेंट लेना है, ओके। देन टेक S एज ए सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर रखना है, ओके। देन एक आर्क निकालना है इस तरह से, इस तरह से आर्क निकालना है। देन यहाँ पर इंटरसेक्ट होना है, ओके। देन यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट, इसका मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। देन आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, देन ये पॉइंट से लेकर, ओके, क्या करना है, एक आर्क निकालना है, ओके। ये जो फर्स्ट आर्क निकलेगा, ये होगा आपका 60 डिग्री का। देन अगेन यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट से आपको अनादर दूसरा आर्क निकालना है, ये लाइन पर, यही आर्क पर, ओके। सो क्या होगा, जो आपको ये सेकंड पॉइंट मिला है, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका कितना हुआ, ये होगा आपका 120 डिग्री, ये वाला। सो यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रा करना है, यहाँ से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। सो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रा कर देना है,
ओके, तो ये हुआ आपका कितना हुआ, ये 120 डिग्री, ये हुआ आपका 120 डिग्री एंगल एस। ओके, हमारा फर्स्ट एंगल निकला यहाँ पर एंगल एस 120 डिग्री। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल आई निकालना है। यहाँ पर एंगल आई कितना है, यहाँ पर 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो अगेन क्या करना है आपको, सफिशियंट मेजरमेंट लेना है, मतलब यही आप ले सकते हो जो पहले लिए थे वो। देन टेक आई एज ए सेंटर, आई क्या लेना है यहाँ पर, सेंटर लेना है। देन अगेन एक आर्क निकालना है, मतलब यहाँ से जो आपको ये लाइन पर इंटरसेक्ट हो, कौन से, ये वाले लाइन पर। ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या मिला है, अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। ओके, तो ये पॉइंट से मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, यहाँ पर ये सेंटर लेना है जहाँ पर मैं रख रहा हूँ, देखो। देन यहाँ से एक आर्क निकालना है, एक आर्क निकालना है। देन अगेन आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ये वाला है। ओके, देन ये पॉइंट से अगेन यहाँ पर आपको ये 60 डिग्री का हुआ, तो अगेन यहाँ पर आपको पहले 120 का निकालना होगा। ओके, देन अब यहाँ पर देखो ये 120 का है मिला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 105 डिग्री निकालना है। 105 डिग्री निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 90 डिग्री फाइंड आउट करना है। अब 90 डिग्री किस तरह से, अब यहाँ पर तो ये 120 हो गया है, नाउ क्या करना है, यही मेजरमेंट लेना है, यहाँ पर 60 डिग्री पे रखना है कंपास, और एक आर्क निकालना है ऊपर की तरफ ऐसे सीधा। ओके, नाउ अगेन क्या करना है, यही मेजरमेंट लेना है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैंने रखा है 120 डिग्री पर, इसको इस तरह से आर्क निकालना है। ओके, मतलब 60 डिग्री से और 120 डिग्री से, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिला, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा 90 डिग्री। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा एंगल्स 90 डिग्री होगा। अब हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 105 डिग्री चाहिए, हमें कितना चाहिए, 105 डिग्री। तो मैं यहाँ से आपको जस्ट आपको ये 90 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक आपको टच करना है। ओके, ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर जब 90 डिग्री पूछा जाएगा तब आपको पूरा निकालना होगा। ओके, अब यहाँ से देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 120 और ये 90 डिग्री, तो आपको कितना निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर निकालना है आपको 105 डिग्री। अब 105 डिग्री, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये 120 और 90 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देखो 190, ये 90 डिग्री और 120 दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री और 120 डिग्री दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को बाइसेक करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 30 डिग्री को जब आप बाइसेक करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 15 डिग्री मिल रहा है। ओके, मीन्स क्या हुआ, ये 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है, यहाँ पर 105 डिग्री। अब यहाँ पर देखो मीन्स क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंड 120 डिग्री को आपको क्या करना होगा, बाइसेक करना होगा, बिकॉज 90 एंड 120 का डिफरेंस कितना आता, 30 का आता। ओके, और 30 को डिवाइड करो 2 से, बाइसेक कर लो, तो मीन्स कितना आता, 15 डिग्री। मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90 डिग्री में, 90 डिग्री में आप 15 डिग्री मिला रहे हो, सो आपको कितना मिल रहा है, 105 डिग्री मिल रहा है, 105 डिग्री। सो क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पर ये सेंटर लेना है, कौन सा है, यहाँ पर ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट। ओके, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का पॉइंट लेना है, ये साइड में एक आर्क निकालना है। ओके, देन मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, मेजरमेंट चेंज करना है क्या, यहाँ पर, यहाँ पर मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। यहाँ से देखो मैंने आर्क कहाँ से निकाला है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से आर्क निकाला है। ओके, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। देन अगेन क्या करना है, ये 120 डिग्री पर रखना है, ये वाले पॉइंट पर, और ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है। ओके, सो ये मिलेगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, मतलब 120 एंड 90 के बीच में आपको जो एंगल्स मिल रहा है वो एंगल्स कितने का होगा आपका, 105 डिग्री का, मतलब ये जो एंगल्स मिल रहा है ये 90 डिग्री और 120 डिग्री में से, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 105 डिग्री, मतलब ये जो एंगल्स है आपका, ये होगा आपका 105 डिग्री। ओके, नाउ अब आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर, देन आई एम, यहाँ पर देखो आई एम कितना है यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर। सो क्या करना है आपको, टेक अ स्केल,
स्केल लेना है यहाँ पर। देन अगेन क्या करना है, जीरो पॉइंट से लेकर कितना मेजरमेंट है आईएम का 3.5 सेंटीमीटर, तो जीरो पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ पर मेजरमेंट कितना है यहाँ पर आपका 3.5 का है, तो ये मेजरमेंट लेना है। देन टेक आई एज अ सेंटर, आई क्या लेना है यहाँ पर, सेंटर लेना है ओके। और यहाँ पर ऊपर में एक आर्क निकालना है ओके। जो ये पॉइंट मिला है ये आपका पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका एम, ये पॉइंट है आपका एम ओके। सो ये एम पॉइंट आई एम कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, ये कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है ओके। नाउ अब यहाँ पर देखो आपको एंगल एम, एंगल एम पूछा गया है, एंगल एम कितना है यहाँ पर 75 डिग्री, तो अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करनी है यहाँ पर आपको ओके। सो क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे कंपास से थोड़ा सा सफिशियंट मेजरमेंट लेना है, कंपास से क्या करना है थोड़ा सा सफिशियंट मेजरमेंट लेना है। टेक एम एज अ सेंटर ओके, एम सेंटर लेना है, ध्यान रखे यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। और यहाँ से एक आर्क निकालना है, जैसे अब मैं यहाँ पे एक आर्क निकालता हूँ ओके, तो ये एक आर्क निकालना है, हिलने नहीं देना यहाँ पर ओके। एक आर्क निकलेगा यहाँ से, ये पॉइंट को जॉइंट हो जाएगा ओके। ये वाला जो आपने आर्क निकाला है ओके, ये वाला आर्क देखो ये क्या होगा, इस तरह से ओके। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये सेंटर रखकर एम पॉइंट को सेंटर रख के, एम पॉइंट को क्या किया सेंटर रखा है, देन आर्क सफिशियंट मेजरमेंट से आर्क निकाला है ओके। देन यहाँ पर आपको देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है यहाँ पर, अब मैं पेन से बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ये ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है यहाँ पर ये। अगेन यहाँ पर क्या करना है आपको, 120 डिग्री फाइंड आउट करना है ओके, जो आपने मतलब यहाँ से आर्क निकाला था ये मेजरमेंट का ओके, ये मेजरमेंट का आर्क निकाला था। देन ये यहाँ पर पॉइंट मिला, इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर जहाँ पर मेरा उंगली यहाँ पर है, यहाँ पर इंटरसेक्ट, यहाँ से क्या करना है अगेन आपको एक आर्क निकालना है ऊपर में ओके। तो ये हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका यहाँ पर, ये जो आपने आर्क निकाला ये, तो ये हुआ आपका 60 डिग्री, ये हुआ आपका 60 डिग्री। अगेन आपको क्या करना है यहाँ पर, वही सेम मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, यहाँ पर रख के इधर 120 का एंगल बनाना है, तो ये हुआ आपका 120 ओके। देन अगेन क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है आपको ओके, सो ये पॉइंट पहले यहाँ पर, ये देखो ये पॉइंट मिला है 120 का, सो अगेन क्या करना है आपको, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल्स बनाना है ओके। तो मेजरमेंट चेंज नहीं करना, अगेन यही मेजरमेंट रहने देना। देन यहाँ से एक आर्क निकालना 60 डिग्री पर जो रख कर है, यहाँ पर देखो 60 डिग्री पर रखना है, फिर यहाँ से एक आर्क निकालना है, देन अगेन यहाँ पर 120 डिग्री पर रखना है, यहाँ से एक आर्क निकालना है, ये हुआ। देन यहाँ पर आपको मिलेगा ये 90 डिग्री का, ये जो मिलेगा यहाँ पर आपको 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर टच कर देना, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का निकालना, तो ये हुआ आपका ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, अब देखो यहाँ पर अगेन एक बात समझने को होना, यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखता मैं 90 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है 30 डिग्री का है, दोनों को 30 डिग्री को 2 से डिवाइड कर लो, मतलब बाइसेक करना होगा, बाइसेक करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, मतलब 60 डिग्री में यहाँ पर ओके डिग्री है। अब यहाँ पर देखो 60 डिग्री में, 60 डिग्री में आप 15 डिग्री ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 75 डिग्री, 75 डिग्री मिल रहा है। इट मीन्स क्या करना है आपको, ये जो 60 डिग्री और 90 डिग्री को है यहाँ से आपको बाइसेक करना है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री को क्या करना है यहाँ पर आपको बाइसेक करना है ओके। तो चलो हम इसको बाइसेक करते हैं, तो मेजरमेंट क्या रहेगा वही रहेगा आपका ओके। यहाँ पर क्या करना है 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेकर यहाँ पर एक आर्क निकालना है इस तरह से ओके, आर्क निकालना है, देन 90 डिग्री लेना है और ऊपर उसको इंटरसेक करना है 90 डिग्री को ओके। तो क्या होगा आपको यहाँ पर, ये पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये होगा आपका क्या होगा, ये आपका होगा 75 डिग्री होगा। तो अब उसको स्केल से क्या करना है, जॉइंट कर देना है, स्केल से क्या करना है यहाँ पर उसको
ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट मिला ये, तो इसको क्या करना है, ये एम पॉइंट से, ये एम पॉइंट से ये यहाँ पर पूरा इधर तक टच कर देना है। ओके, सो ये क्या होगा आपका एम, और ये पॉइंट होगा आपका टी। तो ये आपका कितना है, ये आपका है 75 डिग्री। ये जो है आपका, ये यहाँ पर लिख लेता मैं, ये 75 डिग्री, ये आपका है 75 डिग्री। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनाना था। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको किस तरह से किया ये आपको अच्छी तरह से देखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन मतलब MIST क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं लास्ट में लिख लेता, ये क्या मिला है आपको, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिला है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MIST। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।